माता जी आप देखेंगे बहुत ही प्यारी सी मंदिर है। मौसी जी लोग आ गए उधर से, वो देखिए और हम आपको बता दें वहाँ पीछे ये हमारी बहन जो चले जाएंगे, हमको बहुत बुरा लग रहा है, हम नहीं चाहते ये जाए, तो हम आप आती है थोड़ा सा लेकर के जाते। तो आज क्या है हमको खुद नहीं पता, बस आज हमारी मौसी जी हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं, आइए आइए हम लोग ब्रिज से जाएंगे। तो फ्रेंड्स जल्दी आइए ना, माइक कनेक्ट भी नहीं हो पाए। तो ये हमारी मौसी जी हैं जो कि जा रही हैं, उनको छोड़िए, और ये हमारी प्यारी सी बहन जो अभी सो रही हैं, ये भी चले जाएंगी, और अभी दोनों मम्मा बेटी जा रहे हैं रायगढ़। हमको बहुत बुरा लग रहा है इसलिए क्योंकि हमारी बहन जा रही है, मौसी जी जा रही है, उसका दुख नहीं है। हाँ है थोड़ी बहुत, क्योंकि खेलते हैं ना साथ में। और अभी हम लोग ब्रिज से जा रहे हैं मौसी जी लोग को स्टेशन छोड़ने। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें मौसी जी इसलिए जा रही हैं क्योंकि वहाँ बस कुछ हो गया, मतलब डेथ हो गई है मौसी जी के, मतलब मौसी जी के ससुर जी की, मतलब हमारे नाना जी की डेथ हो गई। और देखिए आप आर्यन को किस तरह से ये ट्रॉली चला रहे हैं, तो देखिए ये प्राची ज्यादा हीरोइन बन रही है, और हमारे भैया जी आज बने कैमरामैन, ये देखिए। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग आपको दिखा दें ब्रिज पे लाइट लग चुकी है, वेपर लाइट ना भैया जी, पहली बार। और ये पकड़िए, और फ्रेंड्स ये देखिए हम सचिन भैया का जैकेट लाए, इसको पहनते हैं क्योंकि हमको ना हम इसलिए पहन रखे क्योंकि हमको हमारे मौसा जी को 10 साल हो गए हैं ट्रेन में सफर किए हुए है ना, और 10 साल बाद मौसा जी ट्रेन में ट्रेवल करने वाले हैं। हाँ तो मौसा जी 10 साल बाद ट्रेन में सफर करेंगे, जर्नी करेंगे, और जहाँ कहा रहे रायगढ़ जा रहे हैं, चलो दूर है नहीं यहाँ से। और मौसा जी लास्ट टाइम कब गए थे बताइए, बताइए लास्ट टाइम कब गए थे, 2011 पे तो आए थे, आए थे शहडोल, आए थे दिल्ली से शहडोल आए थे। तो फ्रेंड्स हमारे घर के लोग ने हमको पराए कर दिए हैं, इसलिए हम आगे आगे भगाए, हमारे मौसा जी कुछ ज़्यादा ही हमसे आगे चल गए, और अभी हम लोग आज पहली बार ब्रिज क्रॉस करके जा रहे हैं, तो हम लोगों को कोई मतलब नहीं है ब्रिज क्रॉस करने का, पटरी पटरी चले जाते हैं। तो चलिए अपन रॉन्ग साइड चले, पहले उस साइड चलते हैं। फ्रेंड्स हम ट्रेन जा रही है, और हमारे फैमिली वाले तो अभी वहीं तक पहुँचे हैं। हाँ तो फ्रेंड्स महाशिवरात्रि के दिन जिस दिन शिवम अपना उपास तोड़ दिया था भंडारा में देख के, वो यही मंदिर है। तो यहाँ पास देखिए कितना प्यारा और कितना सुंदर सजा, हम आपको यहाँ का भी व्लॉग देंगे, बहुत ही प्यारी सी मंदिर है। और यहाँ पास आगे चल रही है, अभी देख सकते हैं, और आपको हम बता दें ये मंदिर के बीच से पेड़ निकली है, देखिए एक साइड शिव जी और एक साइड हनुमान जी, हम आपको कभी इसका व्लॉग देंगे। खैर अभी तो चलिए, तो फ्रेंड्स अभी अपन रनिंग रूम के सामने हैं, आप देख सकते हैं, इसलिए हमको यहाँ पर दौड़ना पड़ेगा क्योंकि ये रनिंग रूम है, ये देखिए आप दिखाइए कुछ, और रनिंग रूम पास होगी तो आपको जरूरी नहीं है दौड़ना, लेकिन अगर आप रनिंग रूम के सामने तो आप जरूर दौड़े। हाँ मौसा जी बोलिए बोलिए बोलिए, मौसा जी आपको मौका मिला अपनी बात रखने का, बोलिए। यहाँ पर पहले कोटा खुला था, अच्छा 1993 पे, उसके बाद 95 से पेमेंट होने लगी, अच्छा फिर अब ये अनुपयोगी हो गया, अनुपयोगी यूजलेस हो गया फ्रेंड्स, यूजलेस हो गया। तो फिर भैया चांद कितना प्यारा दिख रहा है, तो फ्रेंड्स देखिए चांद कितना प्यारा दिख रहा है, थोड़ा जूम कर दीजिए भैया, नहीं हो सकता क्योंकि आप स्टेबल करें, तो फ्रेंड्स उनको क्रॉस होने दीजिए। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें ये देखिए यहाँ पास काम चल रहा है रेलवे का, और मौसा जी ज्यादा ही चल जा रहे हैं आगे, तो हम दौड़ दौड़ के जाना पड़ रहा है, तो जाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। मौसा जी ओ भाई तो दोस्तों हमको मौसा जी मिल गए, और मौसा जी बहुत थक चुके हैं सामान उठाते उठाते, क्यों मौसा जी? हाँ तो भैया मौसी जी ज्यादा कपड़ा भर के ले जा रही है। तो फ्रेंड्स मौसी जी लोग आ गए उधर से, वो देखिए, और हम आपको बता दें वहाँ पीछे ये हमारी बहन जो चले जाएंगी, हमको बहुत बुरा लग रहा है, हम नहीं चाहते ये जाए, तो हम आप तो फ्रेंड्स देखिए सबको यहाँ बगल वाले रास्ते से मुड़ के आ गए थे हम लोग, लंबा लेके आया, ये हमारी मम्मा जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मम्मा जी को खुशी हो रही है कि बहन जा रही है, लेकिन बहन कितना भर के ले जा रही है आप वो देखिए, बहन भर के ले जा रही है, बस इसको छोड़ के चले जाए। हाँ हमारी बहन को छोड़ के चले जाए। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें हमारी साइड है
सहयोग को क्या बोलते हैं, हेल्प वाला काउंटर है। और इस साइड आपको दी गई, इस साइड टिकट काउंटर है जहाँ आप टिकट कटा सकते हैं। हमारे भैया जी को अगर तत्काल टिकट कटवाना रहता है सुबह 4 बजे से आके लग जाते हैं, सुबह 3 बजे 3:30 बजे आ जाते हैं, क्योंकि सिर्फ मम्मा जी लोग जाती है कभी अर्जेंट में, तो भैया जी को ज्यादा खुशी हो जाती है कि जा रहे हैं तो जल्दी जाए। डर मम्मा जी का डर रहता है। तो चलिए आगे चलते हैं। और वहाँ पास ये यहाँ पास वेटिंग रूम है, जो हाँ वेटिंग रूम में आपको आदमी लोग ज्यादा नहीं दिखेंगे, लेकिन वहाँ टिकट काउंटर में लोग बहुत दिखेंगे। नहीं भैया आज है, भैया जी आज है, बड़े पापा जी के सचिन भैया जब भी टिकट बनाते हैं तो भैया जी का टिकट नहीं बन पाता है और बड़े पापा से हमेशा डांट खाते हैं। भैया जी बोले कितना कुछ कर लो, टिकट कंफर्म नहीं होता भैया का, आती है थोड़ा सा ले करके जाती है ना पूरा भर के एक बैग। हम फ्रेंड्स अगर हम अपने अंदाजे से बताए, आती होंगे सिर्फ इतना लेके, इतना और इसका हल्का पचका, और ले क्या जा रही है। ये भैया जी के हाथ में एक झोला, ये दोनों देखिए 1 2 3 रुकिए, सब मैम आने थोड़ी है, देखिए आधा इसमें आगे आगे दो जा रहे हैं, मौसा जी के हाथ में दिखा है, बस मौसी जी सामान भर के ले जाए, ठीक है। मौसा जी के पास जो है उसमें उसका कपड़ा है सब, ये वाले फ्रेंड्स सारे हमारा, और ये बैग में आपको हम बताएं, तो जब भी कोई डिलीवरी मैन आते थे भैया इधर आओ, क्योंकि वो डिलीवरी मैन जानते पास उनके घर ही, आके हॉर्न मारने लगते थे, हमको गुस्सा आता, हम खोलते नहीं थे कि ओ नींद बर्बाद करने आ गए। तो मौसी जी भैया इधर आ जाओ, इधर देना है पार्सल, उल्लू बनाती थी, पूरा कपड़ा रख दी थी। मम्मा जी बहुत सूट है, कितना सूट लिए, 7-8 का है मौसी जी का पार्सल, उसका 15 ओ माय गॉड ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया फ्रेंड्स, और नंबर S4 यही है, S4 यही है फ्रेंड्स, वो देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 कितना प्यारा दिख रहा है, अभी पूरा खाली है अभी पूरा दोस्तों। फ्रेंड्स गाड़ी की अनाउंसमेंट हो गई है, अब मौसी जी लोग जाएंगी, ये हमारी अनवी बहन है और इनका नाम दोनों तो है ना, तो इनका नाम सताक्षी और अनवी दोनों, और सचिन भैया बोलते अनवी, तो ये बी नहीं वी है, और ये जा रही है, बड़ा दुख लग रहा है, हमारी प्यारी बहन है ये, हम नहीं चाहते ये जाए, हो गया। ओ पता है जब भी पापा जी इनको खींच लेते तो इनको ज्यादा अंदर से उत्सुकता होती है, तो ये खुशी से हंसती है ऐ करके। बाय बाय फ्रेंड्स, देखिए ट्रेन आ चुकी है भैया जी लोग की, मतलब भैया जी नहीं मौसा जी लोग की। देख ना, तो फ्रेंड्स ट्रेन बहुत खाली है, बिलासपुर भोपाल, भोपाल बिलासपुर जो बोल लीजिए आप, तो फ्रेंड्स हमारी बहन जा रही है, हम नहीं चाहते थे, सबको लेके नहीं जाए, हरिहर पापा जा रहे हैं,
पैसा दे के जाते तो अच्छा लगता है। मैं ले लूंगा पैसा। तो दोस्तों वजह के दिन में तो आते ही हैं खेलने के लिए, फिर भी अभी 12 बजने वाले हैं, अभी भी देखिए सब लोग वहाँ झूला झूलने के लिए। अभी तो कम से कम झूला को आराम करने देना चाहिए था। दोनों बहन को देख लीजिए, साथ में आर्यन भी है। हम लोग जा रहे थे उनको छोड़ के मौसा जी को। ये देखिए दोस्तों, ये अभी रात में नेट 12 बजे है। हम लोग मेघा प्राची के उम्र के थे तो 12 बजे कहीं हिलते नहीं थे, ऐसे पेड़ उड़ के जगह में तो और बिल्कुल नहीं जाते। अब देखिए यहाँ आज भी के बच्चे को, आजकल के बच्चे को फर्क ही नहीं पड़ता। ये देखिए दोस्तों, अभी ग्राउंड पूरा खाली है, रात के 12 बजे तो खाली रहेगा। इधर से दिखा रहे हैं, इधर से लाइट आ रहा है। ये देखिए दोनों बहन क्या कर रहे हैं, यहाँ दिखा दे, उधर वो गाड़ी वाले अभी गए हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज का अपना ब्लॉग। दिखाई नहीं रहा इधर पास, अच्छा पीछे वालों को दिखाइए ना। तो फ्रेंड्स यही था आज का अपना व्लॉग, अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए बाय 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 बाय। बीकानेर जा रही है, तो वहाँ बीकानेर जा रही है, अजमेर शरीफ। बाय बाय।